दोस्तों थाई एयर एशिया की एक फ्लाइट में अचानक सांप निकलने से हड़कंप मच गया। फ्लाइट बैंकॉक से फुकेट जा रही थी। इसी बीच यात्रियों के ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। वो तो गनीमत रही कि एक यात्री ने ही प्लास्टिक और बोतल की मदद से उससे सांप को पकड़ लिया, वरना फ्लाइट के अंदर अफरा तफरी ही मच जाती। आज के समय में कहीं भी आने जाने के लिए सबसे सुविधाजनक जरिया है फ्लाइट है। हालांकि इसका किराया ट्रेन या बसों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है, लेकिन फ्लाइट्स का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि समय बचता है। जहां ट्रेनों को उसे किसी जगह पर जाने में 12 से 14 घंटे लग जाते हैं, तो फ्लाइट से यही सफर महज 1.5-2 घंटे का ही रह जाता है। वैसे आमतौर पर तो फ्लाइट्स को काफी सुरक्षित माना जाता है, पर क्या हो अगर फ्लाइट के अंदर कोई सांप घुस जाए तो। थाईलैंड की एक फ्लाइट में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल मामला कुछ यूं था कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से थाई एयर एशिया की एक फ्लाइट दक्षिणी प्रांत फुकेट जा रही थी। इसी बीच फ्लाइट के अंदर एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर तो यात्रियों की हालत ही खराब हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जहाज के अंदर जहाँ सामान रखा जाता है उसके ऊपर के हिस्से पर एक सांप रेंग रहा है। इस दौरान एक शख्स बोतल की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब सांप में बोतल के अंदर नहीं आ पाता तो वह फिर एक प्लास्टिक लाता है और सांप को उसी में के अंदर डाल देता है। हैरानी की बात यह है कि फ्लाइट के अंदर कई सारे लोग सवार होते हैं। हालांकि वो सांप ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी जाहिर है इस जीव को देख कर लोग की हालत जरूर खराब हो जाती है। इस होश उड़ा देने वाले वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर @flightmodblog नाम की आईडी से शेयर किया गया। कुल 1:12 की इस वीडियो को अब तक हजारों बार देखा जा चुका है। हालांकि फ्लाइट के अंदर सांप मिलने का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि साल 2022 दिसंबर में एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। केरल के कालीकट से दुबई जा रही फ्लाइट में करोगा होल नाम के सांप का सांप मिला था, जिसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया था। बाद में सांप को सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया था।